मम्मी मुझे जल्दी से कुछ खाना है चटपटा। अच्छा तो मेरे बच्चे को चटपटा खाना है। चलो बेटा तो मैं कुछ बनाती हूँ आपके लिए अच्छी सी डिश। हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, मजे में होंगे, मस्त होंगे। हम भी आपकी ब्लेसिंग से बहुत मस्त है, मजे में हैं, खुश हैं। और देखिए गाइस, ये वाले सीन हर एक के घर में होते हैं। देखो अभी बच्चों की डिमांड आ गई कि मुझे कुछ चटपटा सा खाना है, तो मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ झटपट से बन जाने वाली ममरा की चाट। तो मैंने गाइस दो बड़े बाउल जितने ममरा ले लिए हैं। इसको कई जगह पे चिरवा भी बोलते हैं और इंग्लिश में इसको बफ्ड राइस बोलते हैं। तो हम अब ममरा की भेल बनाना स्टार्ट करेंगे। उससे पहले मैं आपको इंग्रेडिएंट समझा देती हूँ फ्रेंड्स। तो मैंने लिए एक कटोरी बॉयल आलू, एक कटोरी टमाटर, हरा धनिया और एक मैंने नमकीन ली है, और सेव आती है जो नाइलॉन सेव वो ली है एक कटोरी, और ये ममरा का मसाला है, ये रिफाइंड ऑयल है, ये हरी मिर्च है और ये आमचूर पाउडर है। तो चलिए अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। अब हम इसमें ममरा लेंगे, ममरा हम लेंगे 4-5 चम्मच जितने ममरा लेंगे हम। फिर उसमें हम डालेंगे बॉयल आलू थोड़े से, उसके बाद हम उसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे। फिर हम लेंगे उसमें कटे हुए टमाटर थोड़े से डालेंगे वो भी, उसके बाद हम थोड़ा सा मिक्स करेंगे वापस से। फिर हम थोड़ा स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, आप जितना खाते हो वो हिसाब से। फिर हम नमकीन लेंगे, इसमें ऑलरेडी पीनट थे इसलिए मैंने पीनट एक्स्ट्रा नहीं डाले हैं, और इसमें मैं डालूंगी नाइलॉन सेव, एक बारीक वाली जो आती है नाइलॉन सेव वो डालूंगी मैं। अब इसमें डालूंगी थोड़ी सी हरी मिर्च, मैं बिल्कुल थोड़ी सी हरी मिर्च डालूंगी क्योंकि फ्रेंड्स बच्चों के मुँह में आती है तो बच्चे खाते नहीं हैं। आपको अगर ज़्यादा डालनी है आप डाल सकते हो। मैं फिर इसमें थोड़ा सा आमचूर पाउडर मिक्स करूँगी, उसके बाद मैं डालूंगी चिरवा का स्पेशल मसाला। इसके अगर आपको रेसिपी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप चेक कर सकते हो। ये स्पेशल मसाला है चिरवा का, ये थोड़ा स्पाइसी भी रहता है, आप अपने हिसाब से डालना जितना स्पाइसी खाना चाहते हो आप लोग। अब इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा धनिया, उसके बाद मैं इसमें मिक्स करूंगी थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल, आप जो भी रिफाइंड ऑयल खाते हो आप वो डालिएगा, मैंने 3 चम्मच के करीब लिया हुआ है। उसके बाद मैं थोड़ा सा इसको मिक्स करूंगी। अब इसको अच्छे से हमें मिक्स करना है, ये देखिए अच्छे से बिल्कुल मिक्स हो गया है। अब इसको हम शव करेंगे, देखिए ये मेरा बनके बिल्कुल रेडी है। ये बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस चाट बनती है फ्रेंड्स, ये अपने घर पे आप ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा। एक चीज़ और बताना चाहूँगी मैं आपको, ये है पेपर कॉर्न, ये मैंने घर पे ही रेडी किया हुआ है, इसके अंदर भी हम लोग ममरा चाट शो करेंगे। और पेपर कॉर्न के अंदर ममरा चाट खाने के मज़े ही कुछ और हैं। हम लोग कहीं भी बाहर जाते हैं पिकनिक में, कहीं स्कूल कॉलेज लाइफ में आपने देखा होगा पेपर कॉर्न में चाट हमने बहुत खाई हुई है, बहुत मज़े ले लेके खाई हुई है। अगर आपने भी इस तरीके से चाट खाई है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। और देखिए फ्रेंड्स मेरी चाट कितनी अच्छी बनी है, कितनी डिलीशियस दिख रही है, आप एक बार इसको घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए स्टे एट होम एंड स्टे हेल्दी। बाय बाय।